So in the last lecture, we were last lecture was ninth lecture, right? So today's lecture is lecture number 10. ओके तो पिछले लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस वी वर प्रैक्टिसिंग बेसिकली फोर फॉर्मूलेज, ठीक है। अब ये चार फॉर्मूले मैं पिछले दो लेक्चर में रिवाइज कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, सो यू कैन सी देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्विकली, क्योंकि मुझे इसी पे आज प्रॉब्लम्स करवाने। लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस किए थे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, आज के लेक्चर में भी हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सो कीप योर नोटबुक रेडी, पेन रेडी, एंड लेट अस रिवाइज द फॉर्मूलेज। पहले फॉर्मूले रिवाइज करते हैं फटाक से, 2 मिनट के अंदर, एकदम जल्दी। तो मैंने तुमको रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस के चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए। सबसे पहले एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, क्या है एपरेंट डेप्थ? डी डैश इक्वल टू डी बाय म्यू। उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला नॉर्मल शिफ्ट का? नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। अभी मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा। उसके बाद लैटरल शिफ्ट, क्या है लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला? एक्यूरेट फॉर्मूला चाहिए तो आएगा टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस ऑफ आर, और अगर अप्रोक्सीमेट चाहिए तो टी इंटू आई 1 माइनस 1 बाय म्यू, ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर है इससे, राइट। और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है क्रिटिकल एंगल का साइन वैल्यू होता है 1 बाय म्यू, मतलब क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू। तो आज इस पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और पिछले तीन लेक्चर से हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट मी ब्रिंग द प्रॉब्लम्स। अपन सीपी सिंह के प्रॉब्लम कर रहे थे ना, वही प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं मैं अगेन। देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है इसमें। लेट अस गो टू दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? चलो कौन सा क्वेश्चन लेना है, ये देखो रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन से है सारे। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये आपके सामने ये रहा। अरे 23 का भी एक आ गया उसमें, चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो तुम्हारे सामने है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट। आनंद इज सेइंग सर एच सी वर्मा मधुन पण क्वेश्चन्स क्या? डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली। अ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड देन अ स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर द मार्क। हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन? मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर माइक्रोस्कोप ऐसे फोकस किया हुआ है, लेकिन अगर बीच में ग्लास स्लैब रख दी जाए, अब ग्लास स्लैब रखोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये ग्लास स्लैब आ जाएगी यहां पे। अब एक ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी दी है? थिकनेस दी है 3 सेंटीमीटर, ये देखो। तो अब तुमको माइक्रोस्कोप को भी थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा ना फोकस में लाने के लिए, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। सर सी, कैसे यस सर, बेटा? सी ऑप्शन, सी तुमको ऑप्शन सर, कल सर का क्वेश्चन हाँ रिफ्रैक्शन पे ये करना पड़ेगा ना, एपरेंट डेप्थ पहले, यस सर, है ना। यहाँ पे एपरेंट डेप्थ, यहाँ पे एक्चुअली एपरेंट डेप्थ क्या आएगी? यहाँ पे एपरेंट डेप्थ ऐसे आएगी ना, ये वाली आएगी, राइट। एपरेंट डेप्थ कितनी आएगी वो एपरेंट डेप्थ? एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू डी बाय म्यू। तो 3 सेंटीमीटर का है टोटल डेप्थ एक्चुअली, और म्यू कितना दिया? 1.5, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ 2 सेंटीमीटर का है, मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 1 सेंटीमीटर से ऊपर गया ना, ऐसे कितने सेंटीमीटर से ऊपर गया? एक, मतलब तुमको माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ेगा कितने सेंटीमीटर से? 1 सेंटीमीटर से। तो राइट आंसर इज 1 सेंटीमीटर, किधर? अपवर्ड के डाउनवर्ड? अपवर्ड अपवर्ड। अपवर्ड, अपवर्ड दिस इज द सी इज द राइट आंसर।
समझे कि नहीं समझे? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो आपको लगा हुआ इजी क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन था। हाँ बेटा, यू वांट टू से समथिंग, बोलो। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें मिरर भी दिया है, अब इसमें तो रिफ्लेक्शन भी होगा रिफ्रैक्शन भी होगा, तो तुम समझ सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि नहीं? चलो आई एम गिविंग यू अगेन 1 मिनट फॉर इट। लेट अस सी। ए कंटेनर इज फिल्ड विथ वॉटर अप टू हाइट ऑफ 33.25 सेंटीमीटर। अ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अबव द वॉटर लेवल एंड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द बॉटम इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर बिलो द वॉटर लेवल। वॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? गुड क्वेश्चन। वैष्णवी बोल रही है कि सर 1 मिनट के लिए, लेकिन ऑनेस्टली रुको। ठीक है, कंटेनर इज फिल्ड विथ वॉटर अप टू हाइट ऑफ 33.25 सेंटीमीटर। चलो भाई, आया क्या आंसर? तुमको यहां पे मिरर फॉर्मूला जो है ना, वो 2 बार लगाना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे और ये आपका मिरर तो इसकी डेप्थ कितनी है? डेप्थ देखो कितनी है, 33.25 सेंटीमीटर डेप्थ है इसकी, 33.25। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो थोड़ा ऊपर दिखेगा ना अपरेंट डेप्थ पे। डी डैश, कैन यू फाइंड डी डैश? 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अपरेंट डेप्थ इक्वल टू डी बाय म्यू, दैट इज 33.25 अपॉन म्यू। म्यू कितना दिया? वाटर का म्यू तो 4/3 होता है, मतलब 1.33 है ना, 4/3, तो 3 × 33.25 अपॉन 4, तो 33.25 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली तो 100 ही हो जाएगा ना। 33 × 33.33 × 3, 25 ओनली आएगा ये। 25, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि जो इमेज बनती है वो वहीं पे बनती है, यहीं पे इमेज बन रही है। यार ये तो ऐसा हो गया ना कि मिरर के लिए जहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं, अरे इसको कैसे करेंगे यार? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नहीं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता ना, तो अपन ने जो कल का क्वेश्चन किया, देखो अभी सिचुएशन क्या है, देखो ये तुम्हारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, राइट? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और ये उसकी ओ डैश इमेज है। ये पहले रिफ्रैक्शन की वजह से बनी। कौन सा वाला रिफ्रैक्शन? अगर तुम्हारे यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज है तो तुम म्यूट कर सकते हो, म्यूट करो। देखो पहला रिफ्रैक्शन बोले तो यहां पे ऑब्जेक्ट था, ऐसे गया रे, ऐसे जाके ऐसे गया, ये ओ डैश, ये पहला रिफ्रैक्शन हुआ। अब क्योंकि तुमने यहां पे मिरर लगाया हुआ है, अब ये मिरर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अब मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होगा पता नहीं, लेट अस से ऐसे हो गया, वी डोंट नो कैसे होगा, लेट अस से वैसे हो गया। तो यहां पे वापस रिफ्रैक्शन होगा ना,
वन मोर रिफ्रैक्शन विल हैपन देयर, वन मोर। हाँ क्या बोल रहे बेटा? सर अपन जितना ऑब्जेक्ट ठेवलाय तिथेच त्यांनी इमेज फॉर्म केली। नाही ना, ऑब्जेक्ट वर नाही इमेज फॉर्म केलेला, इमेज इथे फॉर्म केलेली आहे। हाँ इमेज इथे फॉर्म केली, पण ज्या मिररला तो ऑब्जेक्ट तिथेच दिसतोय ना, सेंटर ऑफ कर्वेचरच ओ डॅश राहील। अरे दादा, सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर जर ओ डॅश असलं तर मग रे काय होईल, तसाच रिफ्लेक्ट होऊन वापस येईल आणि इथं परत रिफ्रॅक्शन होऊन इथं जाईल ना, इमेज इथं बनायला पाहिजे ना। मग ऑब्जेक्ट वरच इमेज बनली तर ती कंडिशन आहे, असा आपला कालचा क्वेश्चन होता। यस्टरडे जो आपण क्वेश्चन किया वैसा ही था, लेकिन यहाँ पे इमेज आपण मागे ठेवलो होतो। अरे पण इमेज इथं बनते, थांब एक मिनिट, होल्ड युअर हॉर्सेस। हे बघ, हे रिफ्लेक्शन असं होईल आणि इथं परत रिफ्रॅक्शन होऊन इथं इमेज बनेल। लक्षात आलं का? तर ते डायरेक्ट नाही येऊ लागले रेज वापस। जर रेज डायरेक्ट वापस आले असते ना, रेज डायरेक्ट वापस नाही आले, अगर वो डायरेक्ट वापस आते ना तो इमेज यहां पे नहीं, इमेज यहां पे बनेगी। समझ रहे हो क्या? तो ये कल के क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नहीं है। अब यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे तुमको दो बार, रुको मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करता हूं ताकि तुमको अच्छे से समझे। देखो इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। हाँ एक डाउट है, हाँ बोल। बोल अपन रेज रेज काढतोय, पण जर आपण व्हॅल्यूज कन्सिडर केल्या तर ओ डॅश ऑब्जेक्ट आणि इमेज सेम 25-25 येते। त्यांनी 25 मेन्शन केले इमेजचं डिस्टन्स पाण्याखाली, आणि आपलं अपेरेंट डेप्थ पण 25 येते। डायग्राम चुकत असेल काढताना, पण मग नाही डायग्राम नाही चुकत। अरे तू सांग मी डायग्राम मध्ये काय चुकलं? इकडे बघा, इकडे थांब लेट असेल इकडे बघ, इकडे बघ। हा बघ, हा रे इकडून निघला असा, ठीक आहे, पहिलं रिफ्रॅक्शन झालं, ठीक आहे, पहिलं रिफ्रॅक्शन झालं, पटतंय का? येस सर। ओके, पहिलं रिफ्रॅक्शन झालं। आता इथे काय होईल, इथे रिफ्लेक्शन होईल। आता इथे रिफ्लेक्शन कसं होतं, हे बघ, रिफ्लेक्शन असं होतं, हे असं, हे रिफ्लेक्शन, आणि परत इथे रिफ्रॅक्शन झालं असं, आणि फायनल इमेज इथे बनतीये। आणि आपला ऑब्जेक्ट डिस्टन्स पण तिथेच येते। नाही, आपला ऑब्जेक्ट इथं आहे, ऑब्जेक्ट इथं आहे, मग इथे ओ डॅश आहे, अपेरेंट ऑब्जेक्ट, अपरेंट ऑब्जेक्ट तुम्हारा, अगर अपरेंट ऑब्जेक्ट जो बोल रहे हो तुम ओ डैश, वो अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो क्या होगा, ये रे ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाने वाला, ये रे ऐसे जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे उल्टा वापस आएगा, और अगर वो उल्टा वापस आ गया तो यही पे वापस रिफ्लेक्शन होगी, इमेज यहाँ पे बनेगी ना फाइनल, यहाँ पे नहीं बनेगी ना। तो फाइनल इमेज ओ पे बन रही क्या? बोलो यस और नो, ओ पे बन रही क्या? ओ नहीं, फाइनल इमेज ओ डैश पे बन रही है ना। इसका मतलब ओ डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। अगर ओ डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो ऑब्जेक्ट पे इमेज बनती, वैसा नहीं है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है, ये कल के जैसा क्वेश्चन नहीं है। तो कल के जैसा, कल का क्वेश्चन क्या था, कल का क्वेश्चन ऐसा था कि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन रही है। अब ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन रही है मतलब रे ऐसे जाके वैसे ही उल्टा रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा था। बट सर अगर हम देखें, हमने अभी जो अपेरेंट हेड फाइंड की उसके हिसाब से ओ डैश पे ही मिरर के लिए ऑब्जेक्ट रखा है ना सर। हाँ बोल बेटा, थाम लक्ष्मी के क्वेश्चन का आंसर। देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम दो सिचुएशन को कंफ्यूज कर रहे हो। एक सिचुएशन ऐसी है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जो कल के क्वेश्चन की थी कि उसमें क्या हो रहा था कि इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन रही थी। अगर इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बनेगी तो ये जो तुम्हारा मिरर है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या, यहां पे रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो रिफ्रैक्शन होके ऐसे जाएगा कि ये यहां पे परपेंडिकुलर गिरेगा, तो जैसे जाएगा वैसे ही वापस आएगा और ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बनेगी। इसीलिए तुम बोल रहे थे कि ये जो ओ डैश है सर, ये ओ डैश ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये होता कल का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आज के क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा है कि ऑब्जेक्ट पे इमेज बन रही है, बोल के ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला है, ऑब्जेक्ट पे इमेज नहीं बन रही है, इमेज यहां पे बन रही है, ओ डैश पे, ओ डैश पे इमेज बन रही है। मतलब रियलिटी ये है कि रे रिफ्रैक्ट होके, देखो
रे ऐसे निकल रहा है, ऐसे रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे जा रहा है, और फिर से रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे आ रहा है, और फिर रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे इमेज बन रही है। समझ रहे हो क्या भाई, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो बोलो, तुम्हारे चेहरे नहीं दिखाई दे रहे मेरे को यहाँ से, सो आई डोंट नो कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। कार्तिक मुझे बोल रहा है कि नहीं समझा, कार्तिक तू बस इतना बोल रहा है कि नहीं समझा, लेकिन तेरे को क्या नहीं समझा वो नहीं बता रहा तू मेरे को, तो वो बता तू मेरे को पहले, तो मैं तेरे को समझाता हूं। तो इसका मतलब कल के जैसा क्वेश्चन नहीं है, राइट? ओके, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे बता। हाँ आनंद बता बेटा। सर ती इमेज फॉर्म होती तो पण तो माणूस वरतून पाहतोय ना, तर त्याच्यासाठी ती इमेज पण पहिले खालीच असेल पण ती इमेज वरती येते पाण्यामध्ये। नाही नाही नाही, तू आता एक्स्ट्रा विचार करू लागला, आता ऍडिशनल विचार, एक्स्ट्रा विचार नको करू। इमेज ओडॅशला बनती आहे फायनल, बस बात खतम। फायनल इमेज ओडॅशला बनती आहे, फायनल इमेज कशी बनती आहे? यहां पे हुआ रिफ्रैक्शन, तो ये पहला रिफ्रैक्शन, ठीक है? फिर यहां पे होगा रिफ्लेक्शन, यहां पे होगा रिफ्लेक्शन, ये सेकंड हो गया, सेकंड चीज क्या हुई? रिफ्लेक्शन। और तीसरा टाइम हो गया फिर से यहां पे रिफ्रैक्शन, ये तीसरी चीज हो गई। तो बेसिकली तीन चीजें हो रही है, तीन कौन सी? पहला रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर फाइनली फाइनल इमेज बने। तो मैं एक काम करता हूं, पहले पहले रिफ्रैक्शन के बाद बनेगी आई वन, दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद बनेगी आई टू, और फिर थर्ड रिफ्रैक्शन के बाद बनेगी आई थ्री, एंड आई थ्री इज माई फाइनल इमेज, और वो यहां पे बन रही है जहां पे ओ डैश है, मतलब जहां पे आई वन है वहीं पे बन रही है। ओ डैश मतलब ही आई वन, पहला रिफ्रैक्शन के बाद वाली इमेज। अब बोल बेटा, आता मी तुला सॉल्व करून दाखवू का? सॉल्व केल्यावर सगळं क्लियर होऊन जाईल सर। एक शेवटचं, नाही शेवटचं नाही, मी समजून सांगितल्यावर, मी समजून सांगितल्यावर तुमचे सगळे डाऊट्स क्लिअर होतील। आता बघा मी सॉल्व कसं करतोय, मी काय करतोय, आता सगळ्यात पहिल्यांदा इथे रिफ्रॅक्शन होईल, ठीक आहे? मी सगळ्यात पहिल्यांदा पहिलं रिफ्रॅक्शन करतो, लक्ष द्या आता, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, पहिलं रिफ्रॅक्शन होईल इथे, हे झालं पहिलं रिफ्रॅक्शन, ठीक आहे? पहिलं रिफ्रॅक्शन, चला याची इमेज कुठे बनती आहे, मी याला या कलरने एक्सटेंड करतो, ही पहिली इमेज बनली आय वन, ती किती डिस्टन्सवर बनली तुम्ही आत्ता फाइंड केलं बघा, अपरंट डेप्थ किती आली? 25 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसका मतलब अब तुम यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा, यहां पे रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है? तो वो जो इमेज बनने वाली है ये आई टू है, वो कहां पे बनेगी वो तुम फाइंड करो, उसके लिए तुमको ये वी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/v + 1/u = 1/f। अब यहां पे देखो u कितना है, अभी रे ऊपर जा रहे ना, तो ऊपर वाला पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाला निगेटिव, तो सब नीचे, फोकस भी नीचे है, u भी नीचे, v भी नीचे, सारे माइनस आएंगे, ठीक है? u की वैल्यू कितनी यहां पे, ये आई वन तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, अभी अभी मिरर के रिफ्लेक्शन के लिए आई वन तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ये 25, और यहां से लेके यहां तक ये कितना दिया है, ये 15 दिया है, 25 और 15 कितना होता है, 40, ये हो जाएगा 1/-40 = -f। फोकस कितना यहाँ पे, फोकस कितना दिया देख लो, फोकल लेंथ हमें फाइंड करने का है, पता नहीं है, तो मैं माइनस एफ पुट कर रहा हूं बस, और इसका जो वी बन रहा है वो पता नहीं मेरे को कहाँ पे बन रहा है, तो मैं वी को भी वैसे ही रखता हूँ, ये आएगा इक्वेशन नंबर वन, इसको भी माइनस वी, ओके ओके। सपोज मैं ऐकून तो घेना दादा, मला एक्सप्लेन तर करू देना रे, लेट मी एक्सप्लेन, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अभी ये आई टू है, लेकिन आई टू हमारी फाइनल इमेज नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना बाकी है ना, अब यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन करो, इमेज यहाँ पे बनेगी, तो मतलब यहाँ पे इमेज बननी थी वो यहाँ पे बन गई, तो यहाँ पे फाइनल आई थ्री बनेगी। तो ये कितना है, ये है, ये देखो ये टोटल वी है, तो वी में से 15 माइनस करना पड़ेगा इतना निकालने के लिए, v माइनस 15, ठीक है? तो अभी देखो ये ऐसा है, ऐसा है,
यहाँ पे लेकिन रे रिफ्रेक्ट करके यहाँ पे आ रहा है, तो ये कितना है वी माइनस 15 और ये यहां तक कितना दिया है 25। तो इसमें फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, 25 और वी माइनस 15 में म्यू का रिलेशन होना चाहिए क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 25 इज इक्वल टू वी माइनस 15 बाय म्यू, सेम एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला। ठीक है, एक सेकेंड, 25 ज्यादा है और v माइनस 15 कम है, ओके माय मिस्टेक, मुझे इसको डिवाइड बाय म्यू करना चाहिए, 25 बाय म्यू इक्वल टू v माइनस 15। यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 बाय म्यू प्लस 15, यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट करो 4 बाय 3 करोगे कितना आएगा ये 75 बाय 4 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 15 चौक 60, 61, ये हो जाएगा 135 बाय 4। ठीक है, ओके, अब ये आ गया v, अब ये v उस फॉर्मूले में पुट करो यहां पे। अब देखो वहां पे पुट करूं मैं, पुट करने के बाद देखो क्या दिखता है, माइनस 1 बाय v है ना, तो 135 बाय 4 माइनस 1 बाय 40 इक्वल टू माइनस 1 बाय, माइनस माइनस सारे क्या हो जाएंगे प्लस, हो जाएगा 4 बाय 135 प्लस 1 बाय 40 इक्वल टू 1 बाय f। अब एडिशन करो, क्या तुम इसका एलसीएम निकाल सकते हो क्या, एलसीएम क्या आएगा, एक काम करो 1 बाय 5 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 बाय 5 एक 5 5 दूने 10 3 अच्छे 5 7 बस 27 प्लस 1 बाय 8 कितना आएगा ये 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय 5 इन ब्रैकेट 4 बाय 27 प्लस 1 बाय 8 यह आएगा 5 इंटू 27 इंटू 8 ऊपर जाएगा 8 चौक 32 प्लस 27 कितना आएगा ये 27 और 32 कितना होता है 59 इंटू 5 इंटू 27 इंटू 8 देखो तो कितना आता है ये, मैं अप्रोक्सीमेट फाइंड करूं क्या, मैं अप्रोक्सीमेट इसको 59 को 60 ले लूं क्या, डायरेक्ट 60 ले लेता हूं डायरेक्ट, अप्रोक्सीमेट 60 अपॉन 5 इंटू 27 इंटू 8 ये 12 हो जाएगा, 4 दो ने 8, 4 3 12 3 ये हो जाएगा 1 बाय 9 हो जाएगा, f इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आना चाहिए, 9 के आसपास, ऑप्शन देखते चलो 10 है एक ऑप्शन और मैं रुको मैं आंसर देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, लेट मी सी द आंसर। अब मुझे बताओ क्या नहीं समझा और कौन सा पॉइंट नहीं समझा। हाँ बेटा नहीं ना, तसा नहीं ना, ये क्वेश्चन नंबर 23 है ना, इमेज फॉर्म होती तर इमेजला पाहणाऱ्या माणसासाठी ती वरती फॉर्म होती, ती खाली पाहिजे ऍक्च्युअली। इसका आंसर दिया का, थर्ड ऑप्शन दिया इसका आंसर, सी दिया नहीं, हाँ सी दिया, तब तेरे की मतलब मैंने पूरा कैलकुलेशन गलत किया क्या, रुको एक सेकंड सर। हाँ दिक्कत तो होते है कि इमेज फॉर्म होती ना, हाँ इमेजला पाहणारा माणूस वरती पाण्याच्या वरती, इमेजला पाहणारा माणूस पाण्याच्या वरती आहे, तर ती इमेज ऍक्च्युअल मध्ये खाली फॉर्म होती पण ती त्याच्यासाठी वरती दिसते, तर इमेज कुठे फॉर्म होईल परवेचे बघ, तुझं म्हणणं आहे की अजून एकदा रिफ्रॅक्शन करायचं, अजून एकदा रिफ्रॅक्शन होईल मग ती ऍक्च्युअल मध्ये 33.25 येते, त्यामुळे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आहे। अच्छा तुझं म्हणणं आहे की अजून एकदा रिफ्रॅक्शन होईल, ओके, पण यार तुला असं वाटत किती वाटत, पण तुला असं वाटत नाही का ते जरा एक्स्ट्रा म्हणजे एक्स्ट्रा थिंकिंग झाली, पण त्याने आन्सर बरोबर येते, अच्छा सिंपल
यार यू आर राइट, यू आर राइट. यांनी एक्सप्लेनेशन जे आनंद बोलला ना आता तसंच एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. सही बात है. एक्चुअली थोड़ा ज्यादा हो गया ये क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा हो गया. एक्चुअली इन्होंने जैसा फ्रेम किया ना उससे ये क्लियर नहीं है. ठीक है, आनंद जो बोल रहा है ना वो सही है. आनंद क्या बोल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत नहीं बोल रहा. आनंद आनंद इज सेइंग कि आप सही हो सर, यहाँ पे बन रही है, लेकिन जो बाहर से देखने वाला बंदा है, जो बाहर से देखेगा, तो उसके लिए वापस रिफ्रैक्शन होगा ना इसका. Yes. तो उसको यही पे दिखेगा. मतलब ठीक है, आनंद इज राइट. अरविंद इज आस्किंग सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? आता है बेटा एग्जाम में, डेफिनेटली आता है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू फॉल्स होप कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते. आते हैं ना, क्यों नहीं आते? और क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है ही नहीं. वैसे हम कंसेप्ट डिस्कशन कर रहे हैं. मुझे एक बात समझ में नहीं आती तुम लोगों का, मतलब कि सर इतना टाइम लग रहा है. अरे भाई अपन कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है. तो इस प्रोसेस में टाइम लगता ही है. ऐसा नहीं है, अगर तुमको 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 एक्सपेक्टेशन क्या होता है पता है क्या टीचर से? कि एक क्वेश्चन लो, दो मिनट में फिनिश करो, फिर दूसरा क्वेश्चन दो मिनट में फिनिश करो. ऐसा एक घंटे में 50-30-40 क्वेश्चन लिए सर ने कि वाह 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 आज बहुत प्रैक्टिस हुई. अरे गधे तूने क्या सीखा उसमें? सर ने तो दो मिनट के लिए एक एक क्वेश्चन किया. दो मिनट में सर ने ऐसा क्या बताया होगा तेरे को और तूने इतना क्या सीखा होगा? अभी यहाँ पे तुमको कुछ सीखने को तो मिल रहा है कि इमेज कैसे बन रही है, पहली इमेज कैसे बनती है, दूसरी इमेज कैसे बनती है, फॉर्मूला लगाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. तो ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे फिर? तो आनंद ने क्या बोला कि आनंद का कहना है कि सर बाहर से जो देखने वाला है ना, और बुक में भी एक्सप्लेनेशन वही दिया है, पर्सनली अगर मुझे पूछोगे तो आई डोंट एग्री विद इट. आई डोंट एग्री. मैं कहूंगा कि भाई तुमको क्वेश्चन ही वर्डिंग थोड़ी अलग देनी चाहिए थी. चलो ठीक है, मान लेते, कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को ब्लेम करके क्या फायदा. तो ये ओ डैश है इधर. हाँ बेटा, हाँ बोलो 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 बोलो. व्हाट आर यू सेइंग? ओके, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, वापस आएगा. तो इमेज यही पे बनेगी. तो मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वे. इससे तो बहुत आसान हो गया यार, ये इतना सोचने की भी जरूरत नहीं फिर इसमें. तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये 25 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर दिया है. तो 15 और 25 कितना हो जाता है? 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर. तो फोकस आ जाता है आर बाई टू, 20 सेंटीमीटर फोकस. डायरेक्ट आंसर है ये तो. ओके, तो राइट आंसर इज नॉट 10, इट इज 20. ठीक है भाई, गॉट इट. सारंग समझ में आ गया क्या अभी? फाइनल, डन, अंडरस्टूड? चलो अगले क्वेश्चन पे. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आल्सो. चलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे भी लेते हैं कुछ क्वेश्चन. ये देखो, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं. देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट है. एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन ना, डायरेक्ट पूछेंगे आपको. ये देखो, लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास स्लैब विथ पैरेलल साइड एंड थिकनेस टी. इफ आई एंड आर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट? क्या है इसका आंसर? लैटरल शिफ्ट फॉर्मूला डायरेक्ट, t into sin of i minus r upon cos of r. डायरेक्ट आंसर. अभी ये डायरेक्ट आंसर इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इसका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिंग 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 डिंग. ये देखो, अच्छा क्वेश्चन देख रहे थे मेरे को. ये वाला देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कौन सा कौन सा कौन सा? बाउंड्री. हाँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, 41 नंबर का. मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूं, चैलेंजिंग.
चलो ये भी रिफ्रैक्शन पे, देखो एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू ए पिन होल द टॉप एंड ऑफ ए थिन रॉड ऑफ हाइट एच, ओके, प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर. द हाइट ऑफ द बीकर इज 3h एंड इट्स रेडियस इज एच, ओके. व्हेन द बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड अप टू हाइट 2h, लिक्विड को कहां तक भर दिया, 2h तक भर दिया, यहां तक. ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड, तो उसको लोअर एंड दिखाई देने लग गया. लोअर एंड क्यों दिखाई देने लग गया, क्योंकि अभी यहां का रे ऐसे रिफ्रैक्ट होके उसके आंखों तक जाने लग गया. ओके, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो. चलो सॉल्व करो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर इट. रिफ्रैक्ट मतलब वाटर भरने से पहले उसको टॉप एंड दिखाई दे रहा था, वाटर फिल करने के बाद उसको बॉटम एंड दिखाई देने लग गया. वाटर नहीं सॉरी लिक्विड, कौन सा लिक्विड पता नहीं, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है. तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन. सोचो. चलो मैं बताऊं क्या क्या आंसर है. चलो कौन बताएगा आंसर, सी ऑप्शन, आर यू श्योर? चलो भाई कौन बताएगा, बिफोर फीलिंग द लिक्विड, लिक्विड फील करने से पहले, आफ्टर फीलिंग द लिक्विड, लिक्विड फील करने से पहले, लिक्विड फील करने के बाद, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. यस गायत्री, देखो लिक्विड फील करने से पहले क्या होगा, भरने से पहले लिक्विड, लिक्विड भरने से पहले क्या था कि उसको ये दिखाई दे रहा था सीधा यहां से, ठीक है. अब इसकी हाइट कितनी दी है, 3h, और इसकी हाइट कितनी दी है, h. ये लिक्विड भरने से पहले की सिचुएशन है, लिक्विड भरने से पहले की सिचुएशन. अब लिक्विड भरने के बाद क्या सिचुएशन होगी, ओ तेरी, लिक्विड भरने के बाद क्या सिचुएशन होगी, लिक्विड भरने के बाद सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये नहीं, अब रे ऐसा नहीं जाएगा, लिक्विड भर रहा हूं मैं इसमें, लिक्विड कहां तक भरा है, 2h तक, याद रखो ये 2h तक भरा हुआ है. अब उसको बॉटम एंड दिखाई दे रहा है, बॉटम एंड दिखाई दे रहा है का मतलब क्या हुआ कि अभी रे ऐसा जा रहा है, ऐसे और फिर ऐसे, यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये भरने से पहले भरने के बाद, भरने से पहले भरने के बाद. तो मैं इक्वेशन लिखूंगा यहां पे. देखो यहां पे एक काम करते हैं, इसको मान के चलते एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये होगा आर, यहां पे ऐसे बोलू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, बोलो हा या ना, करेक्ट है. तो मेरे पास टास्क क्या है, बस मुझे क्या फाइंड करना है, साइन आई फाइंड करना है और साइन आर फाइंड करना है, ठीक है.
अब साइन आई कैसे फाइंड करूंगा मैं, लुक एट दिस ट्रायंगल, ये 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 ट्रायंगल देखो, इसमें जो इसकी जो विड्थ है ना, ये उसका डायमीटर 2h दिया है, मतलब ये हाफ कितना होगा, h होगा ना, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल का कंसीडर करोगे, ये आई, इसमें ये हाइट कितनी है 2h, और ये कितना है h, क्या हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट 5h, तो यहाँ पे साइन i की वैल्यू आएगी अपोजिट अपॉन, हाँ 1/√5 करेक्ट, तो साइन i की वैल्यू आएगी 1/√5। चलो अभी साइन r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कौन सा ट्राइंगल देखना पड़ेगा, देखो मैं बोलता हूं इसको देखो, ये देखो ये r है राइट, तो ये भी r आएगा ना पूरा, करेक्ट है क्या, तो ये r है तो ये भी r है, तो ये इसका मतलब यहां ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा ना, दिख रहा है ये और ये वाला ट्राइंगल ऐसा आएगा, लेट मी टेक दिस, इधर निकालता हूं, ये वाला क्या, हाँ यार ये भी चलेगा राइट, ये इजी समझने में, ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, और यू आर राइट, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा ये भी एच, अरे ये तो नहीं ना रे, हाँ 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 राइट राइट, इधर की साइड है, इधर की साइड, इधर की साइड है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्या अपोजिट और एडजेसेंट सेम है ना, यस 45 डिग्री, तो मतलब साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2, बस तुम्हारे पास दोनों आ गए, अभी साइन आई बाय साइन आर करो, आंसर आ जाएगा, साइन आई बाय साइन आर 1/√2 अपॉन, सॉरी 1/√5 अपॉन 1/√2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, जाएगा √2/5, दिस इज द आंसर, अंडर रूट, अरे मैंने उल्टा कर दिया क्या, क्या किया मैंने यहाँ पे, आंसर में अंडर रूट 5/2 है, अरे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड निकाला, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने क्या किया, ये जो साइन आई बाय साइन आर, दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड हो जाएगा ना ये, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा अंडर रूट 5/2, नाउ दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, करेक्ट, तो आंसर आएगा ये बी, हाँ बेटा चल रहा है, हाँ तो लिक्विड टाकल्यावर जर हा पॉइंट एच ना अपेरेंट हाइट त्याची वाढली पाहिजे, एच वर आला पाहिजे मग तो दिसेल, करेक्ट है, करेक्ट है, लॉजिक करेक्ट है, ये ओरिजिनल डेप्थ है, ये ओरिजिनल डेप्थ है और ये अपरेंट डेप्थ है, तो अपरेंट डेप्थ इक्वल टू ओरिजिनल डेप्थ बाय म्यू, तो अपरेंट डेप्थ कितनी नहीं है, लेकिन कैसे वैसा कैसे लगेगा, अरे एक मिनट, अपरेंट डेप्थ का जो है ना वो पैराएक्सियल रे के लिए ही एप्लीकेबल है, वो जो अपरेंट डेप्थ अपन वर्टिकली जब देखते हैं ना तभी वो एप्लीकेबल होता है, तो एपरन डेप्थ के फॉर्मूले लगा रहा है ना, तो वो तभी एप्लीकेबल हो गए जब तू वर्टिकली नीचे देख रहा है, तो ये जो रेज होते हैं ना ऐसे, ये पैराएक्सियल रेज होने चाहिए जिसमें आई बहुत स्मॉल है, तो ये तेरी एक्चुअल डेप्थ डी और ये तेरी एपरन डेप्थ डी डैश, तो ये डी डैश बाय डी बाय म्यू, ये फॉर्मूला तू तभी लगा सकता है जब तू ऐसे वर्टिकली नीचे देख रहा है, तो यहां पे वर्टिकली नीचे देख रहा है क्या, नहीं, तो यहां से देख रहा है ना, इधर से देख रहा है तू, यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर, तो टिल्टेड एंगल से देख रहा है ना, तो यहां पे वो एपरेंट डेप्थ वाला फंडा नहीं लगेगा, यस सर, ओके गॉट इट, ऐसा होता है जब तुम डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो ऐसी चीजें क्लियर होती है कि फॉर्मूला कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है, अभी अभी आनंद ने अगर यही क्वेश्चन सीधा एग्जाम में किया होता ना, आनंद फटाफट कैसे करता, ये डी, अरे ये हो गया ये 3H, ये हो गया 2H,
टू बाय थ्री है क्या ऑप्शन यहाँ पे, थ्री बाय टू है ऑप्शन भी है देख। आनंद सीधा डी को क्लिक कर, टिक कर देता, गलत हो जाता लेकिन। ओके कौन बोल रहा था अभी कुछ, समबडी वाज सेइंग समथिंग, नहीं चले आगे फिर। चलो गुड क्वेश्चन, लेट अस टेक वन मोर गुड क्वेश्चन, ये वाला देखो। तुम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे डिपेंड करता है, बताया था ना वेवलेंथ पे, उसके बेसिस पे ये बाउंड्री लाइन है, ऊपर एयर है नीचे ग्लास, कि नीचे ग्लास है ऊपर एयर है। हो क्या रहा है कि जो ग्रीन कलर का लाइट है ना, ग्रीन कलर का लाइट, मैं ग्रीन कलर से ही दिखाता हूं, ये ग्रीन कलर का लाइट ऐसे जा रहा है इधर और फिर इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल है ना। क्वेश्चन ये है कि कौन से कलर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगे और कौन से कलर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। चलो सोचो, आई एम गिविंग यू वन मिनट टू थिंक, कौन से कलर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगे और कौन से कलर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। Which colors will get totally internally reflected and which colors will not get totally internally reflected? Explanation no, ke saath. Orange red will be totally internally reflected. Oh. First option, yellow, orange, red? Yes, sir. Kaise beta? Sir, because agar Vipjar mein dekha toh ye tino green ke baad aate hain, agar green light is totally internally reflected, toh phir unke liye critical angle aur bhi kam hoga, toh isliye wo bhi ho jayenge. Achha, matlab is direction mein jaoge toh wavelength badhti hai. Which will not also be channeled? Haan sir, which will not pucha hai. Question mein kya pucha hai? Matlab bahar kon jaye? Option A. Achha, 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 achha. Option A se apan lambda decreases cell na sir. रुको रुको मैं बताता हूँ, लैम्बडा अगर इंक्रीज हो रहा है वायलेट टू रेड, वायलेट टू रेड लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा ना, म्यू डिक्रीज होगा। अगर म्यू डिक्रीज होगा, अभी क्या होता है कि साइन आई सी इक्वल टू क्या होता है, वन बाय म्यू, अगर म्यू डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा ना, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल विल इंक्रीज। मतलब किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, रेड का ज्यादा है कि ग्रीन का ज्यादा है, रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है राइट, और ग्रीन का क्रिटिकल एंगल कम है, ग्रीन का, तो जिनका जिनका क्रिटिकल एंगल कम है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो किसका कम है, ब्लू का कम है, तो ब्लू अगर इसके साथ जा रहा है तो ब्लू रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो ग्रीन के क्रिटिकल एंगल से भी कम है। अब उसका एंगल अगर ग्रीन के क्रिटिकल एंगल से भी कम है तो यार फिर वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर तुम रेड वाला देखोगे, रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, अब रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है मतलब इस एंगल पे तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, इस एंगल पे वो इधर चला जाएगा ऐसे, तो रेड विल एमर्ज and blue is internally reflected, blue is internally reflected। तो लक्ष्मी तुमने यही बोला था कि उल्टा बोला था तुमने, उल्टा तुमने गलत बोला, इसका मतलब तुमको गलती समझ में आ गई क्या? यस सर। हाँ, तो रेड लाइट जो होगा वो एयर में एमर्ज होगा लेकिन ब्लू लाइट जो होगा वो एयर में एमर्ज नहीं होगा, वो इंटरनली, इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होती है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल
हाँ वॉयलेट की, वॉयलेट कलर हैज द हाइएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट, बिकॉज वॉयलेट कलर हैज द हाइयर हाइयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. हाँ बेटा तर इथं रेडची वेवलेंथ जास्त म्हणजे त्याचा म्यू कमी, म्हणजे जी साइनची व्हॅल्यू आहे ती वाढेल. बेटा अँगल कमी झाल्यावर साइनची व्हॅल्यू वाढत नसते. नाही सर, जर जे डिनॉमिनेटर मध्ये म्यू ने डिवाइड करताय व्हॅल्यू कमी आहे तर मग साइन आयची व्हॅल्यू वाढेल. आयसीचा अँगल पण जास्त असेल ना. हा म्हणजे जास्त अँगल ला इंटरनली रिफ्लेक्ट होईल ना, जास्त अँगल ला. ऐकून घे, करेक्ट आहे, करेक्ट आहे. हा बरोबर आहे. आता मला सांग, समजा आता ग्रीन, एक मिनिट एक मिनिट, आता हा ग्रीनचा अँगल आहे ना, हा कोणाचा अँगल आहे, हा ग्रीनचा आहे ना बेटा. आणि समजा हा अँगल 50 degree आहे, समजा तर रेडचा क्रिटिकल अँगल कुठे येईल, हा ग्रीनचा. तर रेडचा किती येईल बेटा, रेडचा काहीतरी मला वाटतं 55 येईल, समजा जास्त येईल ना 55. राईट, मग याचा अर्थ रेड 50 degree इंटरनली रिफ्लेक्ट होईल का, रेड 50 degree इंटरनली रिफ्लेक्ट होईल का सर. पण आयसीचा अँगल, तुम्हाला उत्तर नाही देत रे, माझ्या प्रश्नाचं उत्तर निवडू आला, तू माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दे. रेड 50 degree इंटरनली रिफ्लेक्ट होईल का, नाही. आता मला सांग, ब्लूचा क्रिटिकल अँगल मात्र कमी ना, समजा ब्लूचा 45 आहे, समजा. आता मला सांग, ब्लू 50 degree इंटरनल रिफ्लेक्ट होईल का, होईल का, ब्लू 50 degree इंटरनल रिफ्लेक्ट नाही होणार, ब्लूचा क्रिटिकल अँगल 45 आहे, ब्लू 50 degree इंटरनल रिफ्लेक्ट होईल का सर. टोटल तू उत्तर नाही दिलं, तू उत्तर नाही दिलं प्रसाद, तू उत्तर नाही दिलं. अरे सांगतो ना मी, तू सांगतो ना, ऐक ना, तेच म्हणतोय ना मी, तेच म्हणतो, ऐकून घे, बोलू नका रे, माझ्या प्रश्नाचं उत्तर नाही देऊ लागला तू. माझ्या प्रश्न उत्तर दे, ब्लू 50 degree इंटरनली रिफ्लेक्ट होईल का, ब्लू 50 degree इंटरनली रिफ्लेक्ट होईल का वैभव, नाही होणार, ब्लू 50 degree इंटरनली रिफ्लेक्ट नाही होणार. आयसीपेक्षा जास्त असेल ना टमाट्या, 50 degree 45 जास्त आहे ना, 50 degree 45 जास्त. अरे ब्लूचा क्रिटिकल अँगल आहे 45, म्हणजे 45 खाली ब्लू रिफ्रॅक्ट होतो, 45 वर ब्लू इंटरनली रिफ्लेक्ट होतो, बरोबर. राईट, म्हणजे 45 वर आहे ना 50 अँगल, म्हणजे सगळे रेजर 50 अँगल ला इन्सिडेंट झाले, सगळे रेजर 50 अँगल ला इन्सिडेंट झाले, तर त्यापैकी समजा व्हाईट लाईट इन्सिडेंट झाला, तर व्हाईट लाईट मध्ये 7 कलर आहे, त्यापैकी ब्ल्यू साठी 50 हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा जास्त आहे, म्हणून ब्ल्यू इंटरनली रिफ्लेक्ट होईल, आणि रेड साठी 50 हा क्रिटिकल अँगल पेक्षा कमी आहे, म्हणून रेड हा इंटरनली रिफ्लेक्ट होणार नाही. आता कळलं का, ओके. हा म्हणून माझं तर ऐकून घे, ओके. चलो, आय होप की आता समजलं असेल, आणि ज्यांना पहिले समजलं होतं ते आता कन्फ्युज झाले नसतील, ओके. आनंद म्हणतोय की सर त्याला वाटतंय की सगळे आयसी सेम आहेत. नाही नाही आनंद, त्याचं क्लिअर झालं, लक्षात आलं त्याच्या. हा तर मी काय सांगत होतो, मुद्दा काय सांगत होतो, हायर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, अगर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ज्यादा आहे, हायर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, more the chance of total internal reflection. ये करेक्ट है क्या, ये स्टेटमेंट राइट है क्या, बोलो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. ट्रू है ना, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कम क्रिटिकल एंगल, कम क्रिटिकल एंगल मतलब ज्यादा एंगल होने, मतलब देखो क्रिटिकल एंगल अगर तुमने 50 डिग्री से 30 डिग्री कर दिया तो 30 डिग्री के ऊपर वाले सारे इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना, और 30 के नीचे वाले ही आगे जा पाएंगे. तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उतना क्रिटिकल एंगल कम आता है, जितना क्रिटिकल एंगल कम आता है उतना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ऊपर इंसिडेंट एंगल गया
तो भाई अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो डायमंड जो है ना, डायमंड चमकता क्यों है तुमको क्या लगता है, व्हाई डायमंड शाइन्स? Due to high refractive index. हाँ, डायमंड में क्या होता है, जैसे ये डायमंड है, लेट अस से व्हाट हैपेंस इन द डायमंड इज, तुमने देखो जो रॉ डायमंड होता है ना वो नहीं चमकता कभी, रॉ डायमंड जो होता है वो नहीं चमकता, रॉ डायमंड जिस डायमंड को तुमने कट किया हुआ है त्याला म्हणतो ना मराठी मध्ये काय म्हणतो त्याला, पैलू पाडणे, इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात, डायमंड, डायमंड डायमंड पॉलिश नहीं, डायमंड कट करना पड़ता है, तराशा हुआ, हाँ हिंदी में बोलते हैं उसको तराशना, या फिर अंग्रेजी में सीधा डायमंड कट करना पड़ता है, ऐसे ऐसे प्लेन, तो डायमंड को ऐसे कट किया जाता है, कटिंग ऐसी होती है डायमंड की कि डायमंड के अंदर जाने वाला जो रे है ना वो अंदर जब जाएगा तो यहां से यहां से यहां से यहां से वो ऐसे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए, तो जितने ज्यादा रेज इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगे उतना डायमंड शाइन करेगा। अब इधर से देखने वाले लोगों को क्या लगेगा, उनको लगेगा कि भाई कि डायमंड के अंदर से ही रे आ रहे, ऐसे लगेगा ना। बेसिकली डायमंड क्या करता है, डायमंड के अंदर जाने वाले रेज को वो रिफ्लेक्ट करता है अंदर से, तो देखने वाले को क्या लगता है कि डायमंड शाइन कर रहा है। तो तुम जितने उसको जो कट कर रहे हो, डायमंड कटिंग के बहुत सारे एक्सपर्ट्स इंडिया में भी है, इंडिया में तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री भाई, दुनिया में सिर्फ दो जगहों पे डायमंड कटिंग का बिजनेस चलता है, डायमंड कट सिर्फ दो जगहों पे किया जाता है, एक अहमदाबाद में और दूसरा केप टाउन में साउथ अफ्रीका, देयर आर टू इंडस्ट्रीज ओनली ऑल द वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड ओवर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, द बिगेस्ट बिजनेस डायमंड बिजनेसेस हैपन इन इंडिया एंड इन साउथ अफ्रीका, पहले तो साउथ अफ्रीका में तो अभी डेवलप हुआ, पहले तो सिर्फ इंडिया में होता था, ओनली इंडिया डायमंड्स, बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में डायमंड कटिंग की, तुमने कभी सुना भी होगा, ओके तो डायमंड का पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.48, अप्रोक्सीमेटली 2.5 पकड़ लो, तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या आएगा, 1/μ, 1/2.5 बोले तो 5/2, 2/5, 2/5 बोले तो साइन ऑफ IC इक्वल टू 0.4 हो जाएगा, 0.4 मतलब IC अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री के पास आ जाएगा, 20-25 डिग्री के पास, तुम 20-25 डिग्री का मतलब समझते हो, सिर्फ 20-25 डिग्री मतलब सिर्फ 20-25 डिग्री के नीचे वाले जो रेज है वो आर पार जाएंगे, मतलब वो रेज क्या होंगे, वो रेज इसके पार चले जाएंगे, ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट होंगे सिर्फ 20-25 के नीचे, और 20-25 के ऊपर एंगल वाले भाई वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऐसे, इसलिए डायमंड चमकता है। चलो आई होप कि आज का लेक्चर तुमको समझ में आ गया होगा, वी सॉल्व गुड क्वेश्चंस टुडे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, टुमारो वी विल मूव फॉरवर्ड, और भी क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चंस मैंने लेक्चर में करवाए हैं उतने काफी नहीं है, तुमको तुम्हारे लेवल पे भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो यू ऑलरेडी नो द बुक्स, तुमको बुक्स पता है, तुमको ये भी पता है कि अभी तो तुमको सब क्लियर भी हो गया होगा कि कौन से सिचुएशन में कैसे फॉर्मूला यूज करने का है, राइट तो आज फिर यहीं पे रुकेंगे, ओके सो एंड दिस लेक्चर will be uploaded to YouTube, so don't worry, link will be provided to you, and those who are watching on YouTube, if possible be there live on Zoom, okay, jinko possible hai wo Zoom pe live aaya karo, jinko possible nahi hai wo YouTube pe dekh sakte, chalo so aaj ke liye yahi pe rukte, stay safe and stay indoor.